गाइज मैं वीरेंद्र कुमार ज्ञान ज्योति आईटी कॉलेज चूरू स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप उन महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की जो हमारी एनुअल एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। तो गाइज हम हमारी इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके गाइज, आपके जो एनुअल एग्जाम होते हैं उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज लॉकडाउन के सिस्टम में लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो करते ही रहें। ओके गाइज, तो हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन नंबर एक, यदि आर, क्या बताया, यदि आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। यदि आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। गाइज इसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4R। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 10 ओम वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, वृत्त के किसी भी व्यास के दो बिंदुओं के मध्य का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। गाइज इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसका प्रतिरोध मैंने लिया था 8 ओम और उस 8 ओम के प्रतिरोध को हमने वृत्त बनाया और उस वृत्त के व्यास के सिरों पर हमने प्रतिरोध चेक किया तो उसका कितना आया था। मेरे वाले क्वेश्चन का प्रतिरोध आया था 2 ओम, लेकिन ये क्या है, 10 ओम का प्रतिरोध है और वृत्त के व्यास के सिरों पे हमें प्रतिरोध का मापन करना है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा 2.5 ओम। कैसे आएगा ये गाइज एक न्यूमेरिकल है, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 1R के 3 प्रतिरोधकों को संयोजित करके एक त्रिभुज बनाया गया, किन्हीं भी दो कोनों के मध्य का प्रतिरोध क्या होगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 2/3 ओम हो जाएगा, 2/3 ओम, ऑप्शन में दे रखा है 3 ओम, 2 ओम, 3/2 ओम, 2/3 ओम, तो आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन का आंसर 2/3 हो जाएगा। गाइज आप नोटबुक रखिएगा, साथ में करके देख लीजिएगा, आपको एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज में 1 ओम के 3 प्रतिरोध लगाने हैं और फिर हमें क्या करना है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य प्रतिरोध का मापन करना है। ओके गाइज ये इस प्रकार के दोनों न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किनमें में से किस घटक में 2 डायोड होते हैं, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज फॉलोअर, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वोल्टेज डबलर। ओके गाइज हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सार्वजनिक आपूर्ति का लाइव समाहक
चालक तार भूसंपर्क धातु से स्पर्श करने पर भूसंपर्क धातु से स्पर्श करने पर आपूर्ति वोल्टेज घट जाएगी, आपूर्ति वोल्टेज बढ़ जाएगी, धारा भूसंपर्क में प्रवाहित हो जाएगी, सुवाहक जल जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धारा भूसंपर्क में प्रवाहित हो जाएगी। धारा क्या है? अर्थिंग में प्रवाहित हो जाएगी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चालकत्व किसके सदिश होती है? इसमें पूछा है कि चालकत्व किसके सदिश होती है या किसके समान होती है? प्रतिष्ठम, MMF, पारगम्यता, प्रेरकत्व, धारिता। गाइज हमें ध्यान रखना है कि जो चालकत्व है वो पारगम्यता के समान या सदृश से होती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन सीरीज का, एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध के रंग बैंड रंग बैंड लाल, भूरा, सुनहरी और रजत है, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? गाइज ध्यान में रखना है, वो फॉर्मूला अपनाना है। बीबी रो ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो लाल रंग का कलर बैंड दो होता है, भूरे का एक होता है, सुनहरे का कितनी घात होती है, आहा, और रजत यानी प्लस माइनस है 5। तो गाई जी आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है, 2.1 ओम, 2.1 ओम। गाइज बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ की जो हमारी कलर कोडिंग वाली टेबल है उस टेबल के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है? एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है? गाइज ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, और एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है? 1.049 एब्सोल्यूट तो हो नहीं सकता, यानी एक तो होता ही होता है, और अंतर्राष्ट्रीय यानी स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी जाए तो एक ओम से कुछ ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1.0049 एब्सोल्यूट ओम। तो हमारे इस 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री सेल्सियस पर एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध 101 ओम है, 90 डिग्री सेल्सियस पर तार का ताप गुणांक क्या होगा? 90 डिग्री सेल्सियस पर तार का तापमान ताप गुणांक है क्या होगा? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.001 तापमान गुणांक वाला फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला लिख करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके गाइज, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और भी मिलेंगे, तो आप ज़रा तापमान गुणांक का फॉर्मूला फुट करें और
इसका आंसर चेक करें। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समझने वाला क्वेश्चन है गाइज। निम्न में से किस ताम्र संवाहक का विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होगा? सबको पढ़ना है। 2 mm की स्क्वेयर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला 2 मीटर लंबा तार, 3 mm स्क्वेयर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला 1 मीटर का 1 मीटर लंबा तार, 3 mm स्क्वेयर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला 2 मीटर लंबा तार, और 4 mm स्क्वेयर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला 2 मीटर लंबा तार, या 1 mm स्क्वेयर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला 2 मीटर लंबा तार। गाइजे, हमें ये पूछा गया है कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। तो हमें तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो तार मोटा है और जिसकी लंबाई सबसे कम है, जो तार मोटा है और जिसकी लंबाई सबसे कम है, उस तार का प्रतिरोध है वो सबसे कम होगा। तो देख लीजिएगा, हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। 3 mm स्क्वेयर, 3 mm स्क्वेयर, 3 mm अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला तार है वो सबसे मोटा होगा, और इसकी लंबाई भी क्या है, 1 मीटर है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु परिपथ ऐसा परिपथ होता है, बताइएगा कैसा होता है, जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। भैया, लघु परिपथ ऐसा परिपथ होता है जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। अरे, शॉर्ट सर्किट अवस्था में प्रतिरोध का मान है वो कम से कम होता है। शॉर्ट सर्किट अवस्था में प्रतिरोध का मान कम से कम होता है, तभी तो क्या होता है, धारा का प्रवाह अनंत होता है। और जब अनंत प्रवाह होगा धारा का, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी उत्पन्न होगी, वायर है वो जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। लेकिन एक बार क्या होगा, कंडीशन पूछी है उसने, तो उसमें क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध है वो बहुत कम होगा। आपको पूछ भी ले दूसरा क्वेश्चन भी कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आपको बताना है शॉर्ट सर्किट अवस्था में प्रतिरोध का मान कम से कम होगा। और ऐसा पूछ ले कि शॉर्ट सर्किट अवस्था में धारा का मान क्या होगा, तो गाइज धारा का मान अनंत होता है, बहुत अधिक यानी अनंत होता है। तो गाइज, हमारा इस सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समान रेटिंग वाले दो बल्बों लैंपों की शक्ति 200 वाट और 100 वाट है। यदि प्रतिरोध R1 और R2 है तो क्या होगा। गाइज, हमें ये देखना है कि एक लैंप तो 200 वाट का है और दूसरा लैंप 100 वाट का है। ओके, तो जिससे जो लैंप ज़्यादा वाट का है उसमें, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है गाइज, R2 प्रतिरोध बराबर 2R1, यानी जिससे भाई सीधा सा मतलब ये है कि पावर खपत के विपरीत होता है पावर के। ये जो 200 वाट वाला लैंप है इसमें प्रतिरोध कम होगा, तो दूसरे में कितना है R2, 100 वाट वाले में
ज़्यादा होगा, तो आर टू बराबर है टू आर वन होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइज थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि हमें कम से कम 50 क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन कोशिश करते हैं। ओके गाइज, मैं ऑप्शन बोलूँगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग, शीत प्रतिरोध से लगभग दो गुना होता है। ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध के से लगभग दो गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गाइज, विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता का मान, विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता का मान। गाइज मैंने आपको परिभाषा लिखाई है धारिता की, लेकिन इसमें क्या है, मैंने लिखाई कि विद्युत आवेश को संचित करने की क्षमता धारिता कहलाती है, और इसमें पूछा गया है विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता का मान धारिता होता है। तो गाइज क्या होगा, धारिता, विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता का मान धारिता होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी में संयोजित दो समान संधारित्रों और समांतर संयोजित दो समान संधारित्रों की प्रभावी धारिता का अनुपात क्या होगा। तो गाइज हम दो प्रतिरोधों को, सॉरी, श्रेणी में संयोजित दो समान, हम दो संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ते हैं और दो को समांतर में जोड़ते हैं, तो अगर उनका अनुपात पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए 1:4 सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं, संधारित्र है वो निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं। तो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को प्रवाहित होने देता है। संधारित्र क्या काम करता है, डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को प्रवाहित करता है। कहने सीधा सा कहने का मतलब यही है कि इस संधारित्र का क्या काम करता है, संधारित्र जहां सर्किट में लगा होता है वो कहता है कि डीसी को रोक लो और एसी को जाने दो। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है थोड़ा सा घुमा के, तो इसमें बताया गया है कि डीसी को ब्लॉक करना, वही तो बात है, डीसी को रोक लो या डीसी को ब्लॉक कर लो और एसी को जाने दो, डीसी को ब्लॉक करना और एसी को प्रवाहित होने देना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है और राइट हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17, धारिता का मान, धारिता कैपेसिटी, धारिता का मान मापने के लिए मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, धारिता का मान मापने के लिए निम्न में से किस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है या किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है। गाइज धारिता कैपेसिटी, सॉरी कैपेसिटेंस, धारिता क्या होता है, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटी तो गाइज क्षमता होता है। धारिता कैपेसिटेंस का मान मापने के लिए कौन से ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, शेयरिंग ब्रिज। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शेयरिंग ब्रिज। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त ट्यूब में संघनित्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। संघनित्र किसको बोलते हैं, इग्नेटर, संघनित्र का इस्तेमाल, प्रदीप्त ट्यूब में स्टार्टर, प्रदीप्त ट्यूब में संघनित्र बोलते हैं स्टार्टर को, तो हमें पूछा गया है कि प्रदीप्त ट्यूब में संघनित्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेडियो व्यक्तिकरण न्यूनतम करने के लिए। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एम्पियर की धारा युक्त 2 ओम का प्रतिरोध कितनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। तो सीधी सी बात है,
दो एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है और दो ओम का प्रतिरोध है, तो कितनी करेगा? फॉर्मूला क्या होता है पावर का, कितनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर आई स्क्वेयर आर। आई की स्क्वेयर, आई कितना है? दो एम्पियर। दो आई की स्क्वेयर करते हैं तो दो गुणा दो चार, और फिर प्रतिरोध कितना है? दो ओम। तो आप पी बराबर आई स्क्वेयर आर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो गाइज आपका यही आंसर आएगा 8 वाट, क्योंकि दो गुणा दो चार, और चार को फिर दो से गुणा करेंगे क्योंकि आर का मान कितना है? आर बोले तो प्रतिरोध दो ओम, तो दो को चार से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो गाइज सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन है हमारे एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस 19 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 वाट। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? मंदक के रूप में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? गाइज ये क्वेश्चन आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान में रखना है, याद रखना है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आरएमएस मान से एसी के औसत मान अनुपात को क्या कहा जाता है? आरएमएस मान से एसी के औसत मान अनुपात को क्या कहा जाता है? आपने एसी थ्योरी पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि इसको कहा जाता है फॉर्म फैक्टर। एक फॉर्मूला है फॉर्म फैक्टर ज्ञात करने का, जब आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा इसमें घुमा के पूछा गया है। ओके गाइस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर। ओके अगला क्वेश्चन, प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रदीप्ति की इकाई है वो लक्स होती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला, यदि एसी सर्किट में 40 ओम का प्रतिरोध, 90 ओम का प्रेरण प्रतिघात, मैं तो प्रेरणीय प्रतिघात बोलता हूँ, और 60 ओम का कैपेसिटिव प्रतिघात है, तो प्रतिबाधा किसके बराबर होगी या प्रतिबाधा क्या होगी? तो गाइज हमें प्रतिबाधा जेड ज्ञात करना है। जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर पहले आप रूट, फिर रूट के अंदर आर स्क्वेयर, फिर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी की स्क्वेयर। आप इस फॉर्मूले को अक्स एल की स्क्वेयर माइनस अक्स सी की स्क्वेयर, ये आप कोष्टक में रख के इस फॉर्मूले से आप ज्ञात करोगे तो प्रतिबाधा जड का मान ज्ञात हो जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ए, 50 ओम। क्या होगा? 50 ओम। और आपको बता ही देता हूँ कि ओम सॉरी प्रतिरोध, प्रेरणीय प्रतिघात और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और प्रतिबाधा जड, इन सब का मात्रक ओम ही होता है, तो हमें इकाई ओम लिखेंगे। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी, एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर रीडिंग, कहने का मतलब है कि एक चार्ज की हुई बैटरी है, पूर्ण चार्ज बैटरी है, तो हमें उसकी चार्जिंग की जांच करते हैं हाइड्रोमीटर से। तो हाइड्रोमीटर है वो पूर्ण चार्ज बैटरी का अपेक्षित घनत्व क्या बताएगा, वही पूछा गया है। तो गाइज इस ऑप्शन में वो तो नहीं दे रखा, एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर रीडिंग है वो कितनी से थोड़ी कम देती है, किससे कम देती है? थोड़ी 1.3 से थोड़ी कम देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक लेड एसिड सेल में वेंट प्लग किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेल दबाव को नियंत्रित करने के लिए, यानी उसके अंदर चार्जिंग की अवस्था में जब गैस से बाहर निकलती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइज हमारा अगला क्वेश्चन,
अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा NiFe यानी निकिल और फेराइट। NiFe ये किसी सेल का ही दूसरा नाम है। NiFe सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इसका हो जाएगा तन्नु, KOH। KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक CRO की एक्स प्लेट्स किसके द्वारा संचित की जाती हैं? तो CRO की एक्स प्लेट है वो किसके द्वारा संचित की जाती हैं? सॉटूथ वेव। अरे एसी जो होती है एक्चुअली, तो वो किसके द्वारा संचित की जाती हैं? सॉटूथ वेव। ओके, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एलईडी अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो नंबर ई सही हो जाएगा, इंफ्रारेड एलईडी। जो इंफ्रारेड एलईडी है वो अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है? यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी नंबर सही हो जाएगा, यूनिवर्सल बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस को कहा जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए पी प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है वो प्रयुक्त किया जाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ई सही हो जाएगा, इंडियम और गैलियम भी होता है, लेकिन ऑप्शन में एक ही दे रखा है इंडियम। अगर यहाँ पे गैलियम देता तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, सिर्फ इंडियम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ई नंबर सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड किसका परिणाम होते हैं? तो गाइज पॉली एक्सोल्यूजन का सिद्धांत है, बी नंबर सही हो जाएगा। FET में लगभग कितना वोल्टेज ऑफसेट होता है? FET में लगभग कितना वोल्टेज ऑफसेट होता है? तो गाइज कोई वोल्टेज है ऑफसेट नहीं होता, जीरो वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ओम मीटर जिससे मैं रीडिंग व्यवहारिक रूप से तुरंत शून्य पर चली जाती है और कैपेसिटर की जांच करते समय वही रहती है, तो कैपेसिटर कैसा होता है? तो कैपेसिटर कैसा होता है गाइज, ऐसा होता है तो कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर में करंट क्वाइल की संख्या कितनी होती है? मेगर में करंट क्वाइल की संख्या कितनी होती है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो गाइज मेगर में करंट क्वाइल की संख्या एक होती है। ओके, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण स्प्रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है? नियंत्रण स्प्रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है? मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मीटरों के अंदर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए उसमें एक दो स्प्रिंग लगी हुई होती हैं, स्पिंडल के ऊपर दो स्प्रिंग लगी हुई होती हैं, तो वो किसकी बनी हुई होती हैं, या उसको कौन से पदार्थ, उसको बनाने के लिए कौन से पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है? तो गाइज वो होता है फॉस्फोर ब्रोंज। क्या होता है? फॉस्फोर ब्रोंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी नंबर सही हो जाएगा। फॉस्फोरस की एक विशेषता होती है कि ये हम इसको जितना फैलाते हैं, फिर हम जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वे अपनी वास्तविक स्थिति पे आ जाता है, न कम पे न ज़्यादा पे रहता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये अपनी वास्तविक आकृति पे आके रुक जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डीसी मोटर के छुटपुट ह्रास को
मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जा सकते हैं? रनिंग डाउन टेस्ट, छुटपुट ह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जा सकते हैं? रनिंग डाउन टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, डीसी मशीनों पर निम्नलिखित में से कौन से परीक्षणों में से कम दो मशीनों की आवश्यकता होती है? तो गाइज, एक हमारा डीसी मशीनों के अंदर परीक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसमें बैक टू बैक टेस्ट होता है ना, उसमें दो मशीनों की कम से कम आवश्यकता होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी नंबर सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की फुल लोड गति 1000 RPM है और गति विनियमन किसको बोलते हैं? रेगुलेशन 90% है, तो नो लोड गति क्या होगी? सीधी सी बात है गाइज, नो लोड गति क्या होगी? अरे 90% और जोड़ दीजिएगा, 1000 का 90% 900 और 900 और 1000 कितना हो गया बोलिएगा? 1900। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा 1900 RPM। RPM का फुल फॉर्म रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1900 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, नम मलिन वातावरण में मोटरों के लिए किस प्रकार का एनक्लोजर प्रयुक्त किया जाता है? टोटली एनक्लोजर फेन कूल्ड, यानी नमी वाले स्थानों पर, तो ध्यान में रखना है टोटली एनक्लोजर फेन कूल्ड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला नेक्स्ट और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है? एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन है वो एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है? ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड ऑपरेशन, लो स्पीड ऑपरेशन, फिक्स स्पीड ऑपरेशन, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, और बी और सी दोनों। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी सही हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, क्योंकि इसमें गति को हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी वेरिएबल बढ़ा चढ़ा सकते हैं गति को। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, बने रहिए यूं ही हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। आपका अपना